इस साल बॉलीवुड की एक और बड़ी फिल्म ने दस्तक दी जिसका नाम है एनिमल। हाल ही में रिलीज हुई है रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना स्टारर ये फिल्म, जिसे डायरेक्ट किया है संदीप रेड्डी वांगा ने। इस फिल्म में एक्शन, इस फिल्म में रोमांस, इस फिल्म में बोल्डनेस काफी ज्यादा अलग लेवल पर दिखाई गई है। इस फिल्म को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। रश्मिका मंदाना इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस हैं, लेकिन फिर भी उनसे ज्यादा कहीं ना कहीं तृप्ति डिमरी की बातें हो रही हैं। तृप्ति डिमरी जो सोशल मीडिया पर अभी कुछ वक्त पहले तक सिर्फ 6 लाख फॉलोअर्स रखती थी, आज उनके फॉलोअर्स 1 मिलियन हो चुके हैं जैसे ही ये फिल्म रिलीज हुई। अब इसका रीजन ये भी बताया जा रहा है कि इस फिल्म में जिस तरह से तृप्ति डिमरी ने अपने रोल को निभाया है वो सच में काबिले तारीफ है। वेल, इस फिल्म में तृप्ति डिमरी का रोल काफी छोटा दिखाया गया, काफी कम टाइम के लिए दिखाया गया, लेकिन काफी इम्पैक्टफुल रहा। इस फिल्म का कोई भी कैरेक्टर कहीं से भी बेतुका नहीं दिखाई दिया और ऐसे में रणबीर कपूर के साथ उनके हॉट सीन्स काफी वायरल हो रहे हैं। रणबीर और तृप्ति के हॉट सीन्स इस वक्त इंटरनेट पर बवाल मचा रहे हैं, जिसमें कहीं रणबीर उन्हें किस करते नजर आ रहे हैं तो कहीं उनको अपनी बाहों में लिए नजर आ रहे हैं। और इसके बाद से तृप्ति डिमरी लोगों को काफी पसंद आ रही है, लेकिन लोग उनके इस रोल को कहीं ना कहीं गलत बता रहे हैं। तो वहीं एक सेक्शन ऑफ ऑडियंस ऐसी भी है जो इस रोल के लिए उनको कह रही है कि भाई एक्ट्रेस ने सिर्फ अपना काम किया है, उनको कास्ट करने वाले डायरेक्टर थे और उनके साथ रोमांस करने वाले रणबीर भी थे, तो सिर्फ उन्हीं को ट्रोल क्यों किया जाए। लेकिन आपको बता दें कि रणबीर कपूर के साथ उनकी इस केमिस्ट्री को लोगों ने काफी पसंद किया, लेकिन हाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनको बुरी तरह से ट्रोल कर रहे हैं। वेल, आपको बता दें एनिमल के रिलीज के बाद से ही तृप्ति डिमरी को बॉलीवुड का नया नेशनल क्रश बताया जा रहा है। अब ऐसे में दिखाई ये भी दे रहा है कि रश्मिका मंदाना का नेशनल क्रश टैग कहीं तृप्ति डिमरी ना ले ले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपके इस बारे में क्या कुछ है कहना कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहे फिल्म भी।